खुद को देखा है तुमने, गुस्से में मुझे क्या क्या बोलते रहते हो। तुम्हें मेरा सिर्फ गुस्सा ही क्यों दिखता है, दिल क्यों नहीं दिखता? अच्छा, दिल एकदम साफ है मेरा यार। हाँ महाराज का दिल और बैंक बैलेंस दोनों ही साफ है। बैंक बैलेंस तो भाई जब बचेगा ना, जब घर की ईएमआई, बच्चों की फीस, ये सब रेंट, पता नहीं कितने खर्चे, बचा कुचा सब कुछ तुम लोगों के ऊपर ही लुटा देता हूँ। कहाँ से लाऊं बैंक बैलेंस बचा के? अब दारू, दारू का बिल नहीं जोड़ोगे? उसे भी जोड़ो ना। ले दे के बस इसी एक चीज को पकड़ के बैठ जाती हो तुम। तुम्हें क्या पता शादी के बाद एक लड़के के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। एक पति की जिम्मेदारी, एक बाप की जिम्मेदारी, एक बेटे की जिम्मेदारी, बड़े भाई की जिम्मेदारी, और तो और पड़ोसियों की जिम्मेदारी। पड़ोसियों की? पड़ोसियों की कौन सी जिम्मेदारी होती है? अरे हमारे पड़ोसी अरोड़ा साहब ज्यादातर साइट पे ही रहते हैं, तो अब मिसिज अरोड़ा को कोई दिक्कत परेशानी होगी तो तुमसे हेल्प लेगी तो जाना तो पड़ेगा ही ना यार तुम्हें। मैसेज आ गया, जाना पड़ेगा। किसका मैसेज है? अरे वो मिसिज अरोड़ा की चीनी खत्म हो गई ना, और कल उन्होंने दाल भी बोला था। जिम्मेदारी, मदद। क्या हुआ, इतने चुप चुप क्यों रहने लगे आजकल? बंदा जब अंदर से टूट जाता है ना, तो बाहर से ऐसे ही चुप चुप रहना शुरू हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया अचानक? सब ठीक तो है, मैं खुश हूँ, बच्चे खुश हैं, घर में कोई परेशानी है ही नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, सब खुश हैं, बस मुझे छोड़कर मेरा नाम तक नहीं लिया तुमने। ओहो, तुम्हारी खुशी भी तो हमारी खुशी में छिपी होनी चाहिए। फैमिली खुश तो तुम खुश। हाँ मतलब मेरी खुशी छिपी ही रहे, वो सामने ना आए, दिखे ना। क्या अरमान पूरे करने हैं तुम्हें? अरे तुम्हें जब मेरे साथ रहते रहते मेरे अरमानों का, मेरी ख्वाहिशों का एहसास नहीं है तो बताने से फायदा क्या। अरे तुम ये बातों को ना गोल गोल मत घुमाओ, मुझे और भी काम है, बात क्या है वो बताओ। अरे पिछली बार तुम्हें छोड़ने गया था जब तुम्हारे घर पे, तो तुम्हारे पापा ने बोला था कि बेटा ये जो गाड़ी दी थी तुम्हें 10 साल पुरानी हो गई है, अब इसे बदल दो, नहीं ले लो। हाँ तो पुरानी हो तो गई है, ले लो नहीं, ठीक तो कहा उन्होंने। हाँ तो वही तो इंतजार कर रहा हूँ मैं, कब वो पैसे ट्रांसफर करे, और मैं फिर सोच रहा हूँ दशहरे पे ले आऊँ नई गाड़ी, दिवाली पे ले आऊंगा फिर। गाड़ी भी तुम उनके दिए पैसे से लेकर आओगे? ये अरमान है तुम्हारे? चौधरी का कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी लिखते हैं लोग, लड़कियां ना लड़कों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आप जैसे लड़कों की वजह से ना हम लड़कियां पीछे रह जाती हैं, और हम ना हर चीज में आपकी बराबरी कर सकते हैं। अरे जब मैं कह रहा हूँ नहीं कर सकती हैं। किस चीज में नहीं कर सकते बराबरी? हम लड़के एक ही कपड़ों में 8-10 शादियां निपटा सकते हैं, तुम जा सकती हो एक ही कपड़े पहन के कहीं? सुनो ये देखो क्या लिखा है, एक बीवी ही होती है जो घर को सुंदर बनाती है, एक बीवी ही होती है जो घर वालों का ध्यान रखती है, और एक बीवी ही होती है जो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। कुछ समझ आया? हाँ, एक खुशहाल जीवन के लिए 3 बीवियों को होना बहुत जरूरी है। सुनो। हाँ? मुझे भूख लग रही है, खाना बना दो। तुम कहीं की रानी महारानी हो क्या? कह दो तुम हुक्म कर दोगी वो मैं कर दूंगा। असली मर्द हूँ, किसी के इशारों पे काम नहीं करता हूँ। किचन में जाके देखो खाना बना के रख दिया है। मैं जा रहा हूँ कपड़े धोने। गलत मर्द से पाला पड़ा है तुम्हारा।